Good morning, students. This is your English class. Now we are studying chapter 12 in your English grammar book, that is about the topic else and or else. Students, in the previous class, we have already studied about the use of else in detail. Today in this class, we are going to study about the use of or else in detail. So students, let's open page number 61 in your English grammar book and start read from here. Or in the bracket else equal to otherwise equal to if not. Okay? Or means otherwise means if not. ठीक है? Or का meaning है इधर अगर नहीं. Or can take the place of otherwise or if not. Or otherwise or if not. Or otherwise या if not के place में use हो सकता है. ठीक है? Or otherwise या if not के place में use हो सकता है. ठीक है? Else acts as a kind of intensifier. Okay? Else works as a kind of intensifier. ठीक है? Else एक intensifier का काम करते हैं. ठीक है? Look at the following sentences. Number one. Come early. If you don't, you won't get anything to eat. जल्दी आना. अगर आप जल्दी नहीं आओगे तो आपको खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा. ठीक है? इस सेंटेंस को हम ऐसे लिख सकते हैं, कम अर्ली अदरवाइज यू वोंट गेट एनीथिंग टू ईट. जल्दी आना, नहीं तो आपको खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा. इस सेंटेंस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कम अर्ली और एल्स यू वोंट गेट एनीथिंग टू ईट. जल्दी आना, नहीं तो आपको खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा. इस सेंटेंस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कम अर्ली और यू वोंट गेट एनीथिंग टू ईट. जल्दी आना, नहीं तो आपको खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा. द मीनिंग इज सेम. ठीक है? नंबर टू एग्जाम्पल, पुट योर कोट ऑन, इफ यू डोंट यू विल कैच अ कोल्ड. ओके? इस सेंटेंस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पुट योर कोट ऑन अदरवाइज यू विल कैच अ कोल्ड. इस सेंटेंस को हम ऐसे लिख सकते हैं और एल्स यूज करके, पुट योर कोट ऑन और एल्स You will catch a cold. इस सेंटेंस को ऐसे भी लिख सकते हैं, put your coat on or you will catch a cold. Okay? So students, in these two sentences, we have studied that how and in which place we can use or else. है ना? ये दोनों एग्जाम्पल्स में हम देखे हैं कि हम और एल्स को कौन सी प्लेस में यूज कर सकते हैं. ठीक है? सो स्टूडेंट्स, यू हैव टू स्टडी दिस टू एग्जाम्पल्स प्रॉपरली विथ द रूल. ठीक है? और एल्स रूल, यू हैव टू स्टडी द टू एग्जाम्पल्स प्रॉपरली. पॉइंट्स टू रिमेम्बर, वी कैन यूज अ कॉमा बिफोर और एल्स. ठीक है? हम और या और एल्स के पहले एक कॉमा लिख सकते हैं. ठीक है? कॉमा पुट कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं. ठीक है? हम और या और एल्स के पहले एक कॉमा यूज कर सकते हैं. देखो, फर्स्ट सेंटेंस में और के पहले एक कॉमा यूज हुआ है और एल्स के पहले एक कॉमा यूज हुआ है. है ना? फर्स्ट सेंटेंस में और एल्स के पहले एक कॉमा यूज हुआ है और के पहले भी एक कॉमा यूज हुई है. ठीक है? सो और एल्स
दोनों के पहले हम कॉमा यूज कर सकते हैं। वी कैन यूज अ सेमी कोलोन और कॉमा बिफोर अदरवाइज। हम अदरवाइज के पहले एक सेमी कोलोन या एक कॉमा पुट कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज के पहले हम एक सेमी कोलोन या कॉमा को यूज कर सकते हैं, ठीक है। सी द फर्स्ट सेंटेंस, अदरवाइज है ना, इसके पहले एक सेमी कोलोन यूज हुआ है, ठीक है। सेकेंड सेंटेंस, सेकेंड एग्जाम्पल, इधर अदरवाइज है, उसके पहले एक कॉमा यूज हुई है, ठीक है। तो अदरवाइज के पहले हम सेमी कोलोन यूज कर सकते हैं, अदरवाइज के पहले हम कॉमा भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, यू हैव टू स्टडी अबाउट द यूज ऑफ और एल्स प्रॉपरली इन दिस पेज, देन वी विल डू द एक्सरसाइज बॉक्स फ्रॉम दिस टॉपिक।